प्रदेश में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 50,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा। हमीरपुर की उपायुक्त व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष देवश्वेता बनिक ने आज जिला मुख्यालय में बताया कि इनमें वे लोग भी शामिल होंगे जो राहत कार्यों और कोविड से संबंधित राहत कार्यों में शामिल थे। उन्होंने कहा कि मुआवजे के लिए मृत्यु का कारण कोविड-19 होना चाहिए और इस हेतु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सभी पीड़ित परिवारों को निर्धारित क्लेम फॉर्म के माध्यम से जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। उपायुक्त ने बताया कि आवेदन करने के 30 दिन के भीतर सभी दावों को निपटाया जाएगा और मुआवजा राशि आधार से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रक्रियाओं के माध्यम से वितरित की जाएगी। कोविड-19 की बीमारी के से ग्रसित होके जिनकी डेथ हुई है दुर्भाग्यवश, उनके नेक्स्ट ऑफ किन जो उनके इमीडिएट जो अगले एयर्स हैं, उन लोगों को एक एक्सक्रेशिया जो है रिलीफ के माध्यम से जो है सरकार द्वारा मदद की जाएगी। और इसके तहत हमने जानकारी जो प्रेस में भी दी थी, हमारे वेबसाइट में भी है, एक फॉर्म जो है, एक क्लेम फॉर्म जो है वो सरकार द्वारा एक बनाया गया है। उसमें अलग अलग डिटेल्स हैं, उसमें डेथ का कॉज है वो उसकी डिटेल्स हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं उन लोगों की डिटेल्स और बैंक अकाउंट्स हैं उसमें अलग अलग डिटेल्स रहेंगी। बहुत सिंपल फॉर्म है और साथ में उसी फॉर्म के साथ एक और लिस्ट भी जारी की गई है जिसमें डॉक्यूमेंट्स जो जरूरत पड़ेंगे उस क्लेम फॉर्म के साथ।